बच्चों हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आओ अक्षर रा पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षर रा की कहानी। राजू, रेशमा और रेखा बहुत अच्छे दोस्त थे और वे रोज पार्क में खेलने जाते थे। राजू रबड़ की गेंद से खेलता, रेशमा रस्सी कूदती और रेखा रंग बिरंगे घेरा रिंग के साथ खेलती। राशि रबड़, राशि रस्सी, राशि राजू। इसके बाद वे तीनों मिलकर राजा रानी की कहानियां एक दूसरे को सुनाते। राशि राजा, राशि रानी। रविवार के दिन बच्चे देर तक खेल रहे थे। रेखा ने बोला, दोस्तों अब हमें घर चलना चाहिए, रात होने वाली है। इतने में उन्हें किसी की रोने की आवाज आई। उन्होंने जाकर देखा तो वह एक लड़की थी जिसके शरीर पर चोट आई थी और दर्द भी हो रहा था। किसे चोट लगी थी? एक लड़की के शरीर पर चोट लगी थी और उसे क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। राजू बोला, तुम यहीं रुको, मेरे पास कुछ रुपए हैं, मैं जल्दी से रुई और दवा ले आता हूँ। तो राजू क्या लेने के लिए गया? रुई और दवा। उस लड़की ने पूछने पर बताया कि वह घर जा रही थी, पर रोशनी कम होने के कारण वह एक रिक्शे से टकरा कर गिर गई। तीनों दोस्तों ने मिलकर रोहिणी की मदद की और उसे रुई और दवा लगाकर उसके घर तक छोड़कर आए। कहाँ छोड़कर आए वो रोहिणी को? रोहिणी के घर तक छोड़कर आए। रोहिणी की माँ ने उन्हें रोक लिया और बोली कि रात हो चुकी है, मैं खुद तुम सबको घर छोड़कर आऊंगी, पर उससे पहले सब मिलकर खाना खाते हैं। तो सब मिलकर क्या खाते हैं रोहिणी के घर? खाना खाते हैं। खाने में राजमा और रायता था और रोहिणी की माँ रसोई से गरम गरम रोटियाँ भी ले आई। मीठे में रबड़ी और रसगुल्ले थे जिन्हें देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा। वो बच्चों को बहुत पसंद आए। सभी को अच्छे लगते हैं ना रबड़ी और रसगुल्ला। उस दिन के बाद वह बच्चे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और रोज रेल बनाकर एक साथ खेलते। क्या बनाकर खेलते? रेल बनाकर। तो बच्चों आओ अब हम पढ़ेंगे रा अक्षर के शब्द। What is this? रा से रोटी मम्मा बनाती है ना? Yes, रा से राजा, रा से रानी और रा से रजाई। अब सर्दी है ना, हम ओढ़ते हैं ना रजाई। रा से राजमा, सभी को अच्छा लगता है ना राजमा? Yes, रा से रेलगाड़ी और रा से रस्सी, रा से रथ। Then you will read your book. धन्यवाद।